आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन मतलब आइसक्रीम वाला। व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। तो वो बोल रहे हैं कि खाने में ठंडा मीठा और क्रीमी क्या होता है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। तो वो बोल रहे हैं कि हर एक आदमी की जो फेवरेट जो ट्रीट होती है, मतलब अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ पार्टी करना चाहते हो, तो गर्मी के दिनों में आप काय की पार्टी दोगे उसे? आइसक्रीम की। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और हर एक आदमी का जो फेवरेट जो आदमी है उस समय वो कौन है? आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम वाला। When summer is in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. वो क्या बोल रहे हैं कि when summer is in the city, जब बोल रहे हैं कि शहर में क्या हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, and bricks a blaze of heat, और मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैसे ईंट के भट्टे में जो आग लगती है ना, उस जैसी क्या हो रखी है, गर्मी हो रखी है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, जब और आइसक्रीम मैन क्या करता है, अपनी एक छोटी सी गाड़ी के साथ आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और गलियों में चलता है। ट्रंडलिंग मतलब जो उसके छोटे छोटे जो पहिए हैं उसकी गाड़ी, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट्स में जा रहे हैं। बेनेथ इज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद मून्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट। बेनेथ इज राउंड अम्ब्रेला मतलब अपने छाते के नीचे, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, और देखो कितना अच्छा ये दृश्य है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद मून्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, अब उसके पास क्या है, कोन्स हैं, काय के, आइसक्रीम के कोन्स। कोन होते हैं जैसे आपके बर्थडे की कैप है, वही सेम कोन्स है उसके पास, लेकिन उसका साइज क्या है, थोड़ा छोटा। बर्थडे की जो कैप है उसके साइज तो क्या होता है, बड़ा, लेकिन जो आइसक्रीम का जो कोन होता है उसका साइज क्या होता है, थोड़ा सा छोटा। और बोल रहे हैं ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, और उसमें क्या है, ठंडी ब्राउन और व्हाइट कलर की क्रीम भरी हुई है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और वो क्या बोल रहे हैं, उसके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड, और चिली थिंग्स टू ईट ड्रिंक, और उसके पास क्या है, ठंडी चीजें हैं पीने के लिए, काय के लिए, ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़ ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक, और वो क्या बोल रहे हैं कि उसके पास ऐसी ऐसी बॉटल्स हैं जिससे कि फ्रॉस्टी फिज, मतलब जिससे आवाज कैसी आती है, बिल्कुल जैसे कोल्ड ड्रिंक से आती है खोलने पर आवाज ऐसी। और कलर्स कौन कौन से हैं उस पे, ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक, ठीक है। तो इन ये कलर्स उसके पास हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, और उसकी जो गाड़ी है, कार्ट मतलब छोटी गाड़ी है, वो कैसा लग रहा है, हाँ फ्लावर बेड मतलब फूलों का बगीचा, नहीं बेड 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 फूलों का बेड की तरह लग रहा है। एंड स्वीट पीस और मीठे मटर, मीठे मटर और फूलों के बेड की तरह उसके क्या लग रही है, गाड़ी लग रही है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज, क्लस्टर मतलब वेरी गुड, घेरा। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर मतलब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उस पे आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और सब वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। एज थिक एज हनी बीज मतलब हाँ, जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते पे चिपकती हैं, वैसे ही बच्चे उसकी गाड़ी पे क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, ठीक है, समझ आई। कौन थे इसके ऑथर, किसने लिखी थी ये, वेरी गुड, किसने लिखी थी, रैचल फील्ड।